नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके जिले में कोई भी समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। खत्म हुआ इंतजार, पनोरमा स्पोर्ट्स का हुआ भव्य उद्घाटन। पनोरमा स्पोर्ट्स और पनोरमा स्टार इवेंट का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। बुधवार को पनोरमा ग्रुप के नए प्रोजेक्ट ई होम्स पनोरमा में पनोरमा स्पोर्ट्स खेल प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर सदर विधायक विजय खेमका और पनोरमा ग्रुप के प्रबंधक निदेशक संजीव मिश्रा ने रिबन काटकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उद्घाटन के बाद विधायक विजय खेमका ने खिलाड़ियों से परिचय लेते हुए कहा कि खेल से बच्चों को शारीरिक और बौद्धिक विकास होता है, वहीं समाज में भी खिलाड़ियों का नाम रोशन होता है। विजय खेमका ने पनोरमा ग्रुप द्वारा लगातार किए जा रहे सामाजिक कार्यों को लेकर पनोरमा परिवार का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करने से समाज में सकारात्मक संदेश जाता है। यूपी में कुशीनगर एयरपोर्ट का प्रधानमंत्री ने किया उद्घाटन। बिहार के 5 जिलों को मिलेगा इसका फायदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के लोगों को बड़ी सौगात दी है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बीते बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। कुशीनगर में बने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से बिहार के 5 जिलों को भी फायदा मिलेगा। बिहार के गोपालगंज, सिवान, छपरा, पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण के लोग भी इसका फायदा उठा पाएंगे। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लाभ आसपास के 15 जिलों के करीब 2 करोड़ यात्रियों को मिल सकेगा। यह उत्तर प्रदेश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जिसकी लागत करीब 260 करोड़ रुपए है, जो 589 एकड़ भूमि में बनाया गया है। बौद्ध धर्म स्थल को दुनिया भर से जोड़ने के उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया है। गौरतलब है कि बिहार में कुल 3 एयरपोर्ट है, जिनमें पटना, गया, दरभंगा शामिल है। गोपालगंज, सिवान, छपरा, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण के लोग अब कुशीनगर एयरपोर्ट से भी हवाई यात्रा कर सकेंगे। आपको बता दें कि कुशीनगर से गोपालगंज की दूरी करीब 76 किलोमीटर है, जिसे 1.5 घंटे में सड़क मार्ग से तय की जा सकती है। कोसी नदी का बढ़ा जलस्तर, अलर्ट मोड में जिला प्रशासन। चुनाव में लगे 5 सीओ को अपने अपने क्षेत्रों में भेजा गया। एनडीआरएफ को किया गया अलर्ट। सीमावर्ती क्षेत्रों और नेपाल के इलाकों में पिछले 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण कोसी नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। कोसी नदी के जलस्तर में हो रही वृद्धि को देखकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया है। इसे देखते हुए तटबंध के भीतर बसे लोगों को भी अलर्ट किया गया है। कोसी नदी के जलस्तर में भारी वृद्धि को देखते हुए चुनाव कार्य में लगे 5 अंचलाधिकारी को अपने अपने क्षेत्रों में भेजा गया है। स्थिति को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम भी कई इलाकों में भेजे गए हैं। सुपौल के निर्मली और बसंतपुर प्रखंड में बाढ़ की स्थिति बन गई है। वहीं 42 फाटक भी खोल दिए गए हैं। यहां का जलस्तर 2,69,150 क्यूसेक दर्ज की गई है, जो इस साल का सबसे अधिक जलस्तर वृद्धि है। इसी को देखते हुए सुपौल डीएम महेंद्र कुमार ने जिले के 5 सीओ को चुनाव से हटाकर तटबंध की निगरानी का निर्देश दिया है। वहीं गणपतगंज में डीएम कैंप कर रहे हैं। तटबंध के आसपास बसे लोगों को ऊंची जगहों पर जाने का निर्देश दिया गया है। इसे लेकर एनडीआरएफ को अलर्ट भी किया गया है। मुजफ्फरपुर में श्राद्ध भोज खाने के बाद 2 दर्जन बच्चे बीमार, एक बच्चे ने तोड़ा दम। इस वक्त की बड़ी खबर मुजफ्फरपुर जिले से, जहां सरैया थाना इलाके के एक गांव रुपौली में श्राद्ध भोज खाने के बाद लगभग 2 दर्जन बच्चे बीमार हो गए हैं। फूड पॉइजनिंग के बाद बीमार बच्चों का इलाज सरैया CHC और मुजफ्फरपुर के निजी नर्सिंग होम में कराया जा रहा है। इस दौरान एक बच्चे की मौत निजी नर्सिंग होम में हो गई है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में कोहराम मचा हुआ है। घटना के बारे में मिली पूरी जानकारी के मुताबिक रुपौली गांव के गणेश महतो की पत्नी का पिछले दिनों निधन हो गया था। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद श्राद्ध क्रिया के दौरान उन्होंने भोज का आयोजन किया और बच्चों ने इसी दौरान खाना खाया था। खाना खाने के बाद बच्चों की तबीयत अचानक से बिगड़ने लगी। सरैया CHC में 19 बच्चे फिलहाल एडमिट है, जबकि 5 को सदर अस्पताल रेफर किया गया है। कुछ बच्चों को परिजन उन्हें लेकर मुजफ्फरपुर के निजी नर्सिंग होम में गए हैं। इस दौरान जो खबर आई है उसके मुताबिक निशांत कुमार नाम के एक बच्चे की मौत मुजफ्फरपुर के एक नर्सिंग होम में हो गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का 3 दिवसीय बिहार दौरा आज से, पटना के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा का इंतजाम। बीते बुधवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 दिवसीय यात्रा पर पटना पहुंच गए हैं।
राष्ट्रपति बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में शिरकत करेंगे। इसके अलावा उन्हें अन्य कई जगहों का भी दौरा करना है। राष्ट्रपति 22 अक्टूबर की सुबह 11 बजे तक पटना में रहेंगे। उनके 46 घंटे की पटना यात्रा को लेकर तमाम सुरक्षा का इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। आज राष्ट्रपति बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह कार्यक्रम में शामिल होंगे। सुबह 10:50 पर वह विधानसभा परिसर पहुँचेंगे और तकरीबन 50 मिनट के कार्यक्रम में वह शामिल होंगे। विधानसभा परिसर में राष्ट्रपति बोधि वृक्ष भी लगाएंगे। राष्ट्रपति बनने के बाद रामनाथ कोविंद ने चौथी बार पटना आ रहे हैं। इनके दौरे को लेकर सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। 21 अक्टूबर की शाम 7 बजे से महामहिम राष्ट्रपति के सम्मान में बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के सरकारी आवास पर रात्रि भोजन का आयोजन भी किया गया है। इस दौरान शारदा सिन्हा समेत कुल 77 कलाकारों की तरफ से सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किया जाएगा। 22 अक्टूबर की सुबह राष्ट्रपति पटना घूमने निकलेंगे। राष्ट्रपति अपने दौरे के दौरान पटना साहिब गुरुद्वारा और महावीर मंदिर भी जाएंगे। 22 अक्टूबर को बुद्ध स्मृति पार्क जाने का उनका कार्यक्रम है। सुबह 9 बजे वह बुद्ध स्मृति पार्क पहुँचेंगे। इस दौरान आम लोगों के लिए पार्क बंद रहेगा। रिसर्च करने वाले अभ्यर्थियों के लिए स्टाइपेंड की मांग, मुख्यमंत्री के सामने आया मामला। बिहार में शोध करने वाले अभ्यर्थियों के लिए स्टाइपेंड समेत अन्य तरह की सुविधाओं की मांग उठने लगी है। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में सोमवार को यह मामला पहुंचा। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद शिक्षा विभाग ने सकारात्मक पहल कर संज्ञान लिया और सकारात्मक आश्वासन भी दिया है। दरअसल एक शोधार्थी छात्र ने मुख्यमंत्री के जनता दरबार में शोधार्थी वजीफा के साथ साथ अन्य सुविधाओं की मांग करते हुए फरियाद लगाई। शोधार्थी ने अन्य राज्यों के विश्वविद्यालयों जैसे कोलकाता, लखनऊ, असम की तर्ज पर बिहार के भी राज्य के विश्वविद्यालयों में शोधार्थियों के लिए मासिक वजीफा और शोधार्थी के अन्य आवश्यक उचित सुविधाओं की मांग की है। इन मांगों में शोधार्थी मासिक वजीफा, एकेडमिक काउंसिल में पीएचडी में शुल्क वृद्धि, शोधार्थी छात्रावास की सुविधा, सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटी, शोधार्थी कॉमन रूम से संबंधित सुविधाएं देना शामिल है। डीएम ने वीडियो पर की बड़ी कार्रवाई, काम में लापरवाही बरतने पर हटाई गई। इस वक्त एक बड़ी खबर जमुई जिले से सामने आ रही है। पंचायत चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग से पहले वीडियो पर बड़ी कार्रवाई की गई है। जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को चुनाव कार्य से हटा दिया है। उनकी जगह निर्वाचन पदाधिकारी की जिम्मेदारी वहाँ के अंचलाधिकारी को दी गई है। दरअसल बिहार में पंचायत चुनाव का दौर जारी है, ऐसे में शासन प्रशासन काफी एक्टिव है। काम में लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में सोनो प्रखंड विकास पदाधिकारी ममता प्रिया को चुनाव कार्य से हटा दिया गया है। डीएम अवनीश कुमार सिंह ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया है। डीएम द्वारा जारी आदेश के मुताबिक वीडियो ममता प्रिया पंचायत चुनाव में निर्वाचित पदाधिकारी के कृतियों का सफलतापूर्वक समय निर्वाहन और प्रबंधन नहीं कर पा रही थी, इसीलिए उन्हें चुनाव कार्य से मुक्त कर दिया गया है। उनकी जगह अब वहां के अंचलाधिकारी राजेश कुमार को निर्वाचित पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में भारी बवाल, मेस का खाना खाने से बिगड़ी छात्रों की तबीयत। बिहार के प्रतिष्ठित चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में बीती रात भारी बवाल देखने को मिला है। दरअसल लॉ यूनिवर्सिटी के मेस का खाना खाने से कुछ छात्रों की तबीयत खराब हो गई। इसके बाद एक छात्र को इलाज के लिए पीएमसीएच में जाना पड़ा। मेस में खराब खाना मिलने से नाराज छात्रों ने कैंपस में बीती रात जमकर हंगामा किया। चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एक प्रतिष्ठित संस्थान है। सरकार की तरफ से इस शिक्षण संस्थान में बेहतर सुविधाओं का दावा किया जाता है, लेकिन इस सब के बावजूद कैंपस में रहने वाले छात्रों ने मेस में घटिया खाना देने का आरोप लगाया है। खराब खाने की वजह से 3 छात्रों की तबीयत बिगड़ी है। एक को इलाज के लिए पीएमसीएच भेजा गया, जबकि 2 अन्य छात्रों का इलाज कैंपस में ही चल रहा है। छात्रों की तबीयत बिगड़ने के बाद बवाल उस वक्त और बढ़ गया जब संस्थान की डिस्पेंसरी में एक एक्सपायर इंजेक्शन दिए जाने की जानकारी सामने आई। घटना के बाद आक्रोशित छात्रों का शांत कराने के लिए पुलिस तक को कैंपस में आना पड़ा। जमीन माफी को लेकर राज्य सरकार का बड़ा फैसला, जान लीजिए क्या होगा नया नियम। बिहार में जमीन से जुड़े मामलों में लगातार सुधार के लिए बदलाव कर रही नीतीश सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है। राज्य के अंदर अब जमीन माफी के लिए एक बराबर शुल्क भी देना होगा। राज्य के राजस्व एवं
भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि राज्य में जमीन मापी अलग अलग होने से परेशानी होती है। किसानों की शिकायत विभाग को मिली है और मौजूदा व्यवस्था में शिकायतें दूर करना संभव नहीं है, लिहाजा विभाग ने यह तय किया है कि जमीन मापी की पूरी व्यवस्था ही बदल दी जाए। इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है। फिलहाल आमीन के एक दिन के वेतन के आधार पर ही मापी का शुल्क तय किया जाता है। मंत्री रामसूरत राय ने राज्य भर के लिए एक शुल्क तय करने का निर्देश विभाग के अधिकारियों को दिया है। जमीन मापी के लंबित आवेदनों को जल्द निपटारा हो सके और इसके दौरान निष्पक्षता का ख्याल रखा जाए, इसको लेकर भी प्रयास जारी है। राजस्व विभाग में जिलों में जमीन मापी के लिए समान दर तय करने का अब मंथन भी शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि विभाग में हाल ही में संविदा के आधार पर आमीनों की नियुक्ति की है, उनके वेतन के आधार पर ही नई दरें तय होंगी। बड़ी बात यह है कि नई व्यवस्था के अंदर एक जमीन की मापी कराने पर कितना समय लगता है, इसे लेकर चार्ज तय नहीं होगा। एक कट्ठा जमीन की मापी राज्य के किसी भी अंचल में अगर कोई कराई जाए तो उसके लिए एक ही दर तय होगी। बिहार में शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया रुकी, पंचायत चुनाव के कारण राज्य निर्वाचन आयोग ने नहीं दी मंजूरी। बिहार में शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया रोक दी गई है। पंचायत चुनाव के कारण शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया को रोक दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग में माध्यमिक शिक्षा के निदेशक के अनुरोध पर अपना फैसला देते हुए स्पष्ट किया है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया को आदर्श आचार संहिता के प्रभावी रहने तक रोक दिया जाए। राज्य निर्वाचन आयोग में कहा है कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया को आदर्श आचार संहिता के प्रभावी रहने की स्थिति में विभाग के प्रस्ताव पर आयोग की तरफ से असहमति व्यक्त की जाती है। शिक्षा विभाग की तरफ से माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखते हुए चरण की शिक्षक बहाली के लिए नियोजन प्रक्रिया को अनुमति देने का आग्रह किया था। आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिला परिषद नियोजन समिति की तरफ से नियोजन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए प्रस्ताव में जिला परिषद परामर्श समिति के एक सदस्य भी शामिल होते हैं, तो ऐसी स्थिति में आदर्श आचार संहिता इसकी इजाजत नहीं देता है। आदर्श आचार संहिता की गाइडलाइन में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि केंद्र या राज्य सरकार की कोई भी योजना या चयन प्रक्रिया में पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भूमिका है, उसे क्रियान्वयन पर रोक रहेगी। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।